अस्सलाम वालेकुम, हम बंगाली जा रहे हैं आज, और आज बहुत सोमवार 25 दिसंबर है, और बहुत अच्छी बात, मैंने कोई छुट्टी की है जी, और छुट्टी की जो रीज़न है वो पीछे बैठी हुई है जी, डॉक्टर दिशांत साहब आज हमारे मेहमान हैं, और आज के हमारे पायलट हैं एसन भाई, एसन भाई लेके जाएंगे बंगाली। एसन भाई रूट कौन सा रखना है हमने? जबर वाला। आप गुजरहान से आगे आएंगे जी काजियाँ, गुजरहान से विपचोक, विपचोक से आगे काजियाँ, और काजियाँ से आगे जबर रोड जाती है, जबर रोड जाने की, जबर से आगे स्मोड जाना हमने, तो अभी चलें जाए आपको दिखाते हैं बंगाली। एसन भाई इसका जो रोड है उसके क्या सोचते आ रहे हैं? रोड अभी तैयार हो रही है। ठीक है, गुजरहान से जबर तकरीबन आई थिंक आधे घंटे की ड्राइव है, तकरीबन रोड अच्छी बनी हुई है। आगे कितना कितना लगेगा? आगे में 2 घंटे लगेंगे टैक्सी तो। रोड खराब होने की वजह से तकरीबन हमें 2 से 2.5 घंटे गुजरहान से आगे लग जाते हैं। जबर तहसील गुजरहान की यूनियन काउंसिल है, बहुत कम ऐसे इलाके हैं जहाँ आज भी फोर्ड वैगनें चलती हैं, और जबर उसमें नुमाया हैसियत रखता है। बाएं साइड पे आपको फोर्ड वैगनों का अड्डा नजर आ रहा है, अगर आपने गुजरहान या रावलपिंडी का सफर करना हो तो यहाँ से आपको गाड़ी मिलेगी। जब्बर की दूसरी पहचान बाबा साईं मिर्चो सरकार की दरबार है, जहाँ हर साल 5, 6 और 7 मार्च को एक मेले का इनेकाद किया जाता है। मोट कलरसेदा का एक इलाका है, जिसे 1 जुलाई 2004 को यूनियन काउंसिल का दर्जा दिया गया। वॉलीबॉल के मशहूर प्लेयर चौधरी मदन फारूक का ताल्लुक भी इस मोट से था। मेरे दाएं साइड पे आपको चौधरी मदन फारूक की कब्र मुबारक नज़र आ रही। दान गली यूनियन काउंसिल स्मोड का एक गांव है। सन 2008 में मंगला डैम प्रोजेक्ट की वजह से मुतासर होने वाले इलाकों की जब तमीरें नो की गई तो उसमें दान गली पुल की तमीर भी शामिल थी। मंगला डैम दुनिया का 7वां बड़ा डैम है। दान गली पुल की तमीर को वाबड़ा ने 2.5 साल की अर्से में मुकम्मल की। पुल पर आपको मुख्तलिफ फिश पॉइंट नज़र आएंगे। लोग पुल की सैर और मछली से लुत्फानंदोज होने के लिए दान गली पुल का रुख करते हैं। पुल को दराजलम पर तमीर किया गया है। हम दानगली पहुँच रहे हैं, ये कलरसेदा की हदूद में आता है जी, और ये आखिरी पॉइंट है, आगे आपको पुल नज़र आएगा। पुल पे चलते हैं, पुल से पार सामने कश्मीर का रुका शुरू हो जाता है। आए जी दादाजी, मैं आपको पुल दिखाता हूँ। अभी हम जा रहे हैं जी पुल के ऊपर, बल्कि हम पुल से दूसरी साइड पे जाएंगे, और कोशिश करेंगे पुल के नीचे जाने की। पानी आपको नीचे से दिखाएंगे। 28 फुट चौड़े और 1116 फुट लंबे पुल का इफ्तिताह साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने किया। इसी नस्बत से इसे बाबे सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी भी कहते हैं। पुल के दूसरी तरफ मीरपुर आज़ाद कश्मीर का इलाका शुरू हो जाता है। अभी जी गाड़ी रुक के जा रहे हैं नीचे, पानी के पास इंशाल्लाह आपको पानी दिखाते हैं जी। सामने आपको चेक पोस्ट नज़र आ रही है, तो चेक पोस्ट से गुजर के आगे आपको कश्मीर आप इंटर होते हैं जी। अभी हम दोस्तों के साथ जा रहे हैं जी नीचे पानी के करीब। अभी जिस जगह से गुजर रहे हैं जी आप देख सकते हैं पानी नीचे है, लेकिन ऐसा भी बता रहे हैं कि यहाँ पे सीज़न में पानी यहाँ तक ऊपर आता है जी। डैम के साथ ज़मीनें सरकारी मलकियत हैं, लोग यहाँ गंदम की फसल काश्त करते हैं। क्योंकि पानी की सतह बहुत ऊंची रहती है, इसलिए यहाँ फसल के लिए ज़मीन को तैयार नहीं करना पड़ता। डैम में बोटिंग की सहूलत भी मौजूद है। सर्दियों के सीज़न के अख्ताम तक तकरीबन यहाँ फसल तैयार हो जाती है और उसे काट लिया जाता है, क्योंकि इसके बाद पानी की सतह बहुत ऊपर आ जाती है। आप देख सकते हैं कि मिट्टी अभी भी गीली है। ये बेसिकली कलरसेदा का आखिरी इलाका है, जिस आगे कश्मीर की स्टार्ट हो जाती है, मीरपुर रोड आगे स्टार्ट होती है, और इसके बाद जब आप जाएंगे तो आपका मीरपुर दरिया के इलाके शुरू हो जाते हैं, और कश्मीर का इलाका हो जाता है ये जी। फाइनली हम यहाँ से दानगढ़ी से विदर करके निकल रहे हैं जी वापस। दानगढ़ी पुल के रूट पर जब आप आएंगे तो एक और जगह जो आपको विजिट करनी चाहिए जोशा कहानी, तो अभी दानगढ़ी पुल से हम आगे सीधा जा रहे हैं जोशा कहानी। शाह की यूनियन काउंसिल स्मोड के अंदर वाकई एक गांव है, जहाँ पे मशहूर सूफी बुजुर्ग हज़रत दूदा शाह हक्कानी का दरबार है। हज़रत दूदा हक्कानी का ताल्लुक अरब खानदान से था, और तबलीग दीन के लिए आपने बरसीर का रुख किया। आप इब्तदा में ज़ाहरी जाओ जलाल के मालिक थे, लेकिन कुर्बे खुदाबंदी के हसूल के लिए आपने हिंदुस्तान की सरजमीन को हैदराबाद कहा, और जंगलों और बियाबानों का रुख किया, और किसी भी जगह को अपना मुस्तकिल ठिकाना ना बनाया। आखिरकार आपने खित्ता कश्मीर की एक बुलंद बाला खूबसूरत जगह हाड़ी गाला को अपना आर्जी मस्कन बनाया।
यहाँ एक अरसे तक आपने चिल्लाकशी की और इरफान रब्बी की आला मनाजिल हासिल की। हज़रत दूदा मर्द हकानी ने हाड़ी काला से हिता पटवार की तरफ रुख किया और दान गली को अपना ठिकाना बनाया। यहीं आप अपने हलके हकीकी से जा मिले। आपका मज़ार भी यहीं मौजूद है जहाँ से ज़ायरीन फैजयाब हो रहे। दरबार के अंदर एक कमरा मुख्तस है जहाँ से आप शफा के लिए हक ले जा सकते हैं और दीवार पे पंजा लगा के आप अपनी मन्नत मान सकते हैं। मन्नतें पूरी होने के बाद लोग यहाँ हाजिरी देते हैं। दीवार पे आप पंजों के निशान देख सकते हैं। दरबार के बाहर एक दुकान मौजूद है। ठीक है, ठीक है। मेरा कब होता है? पाँच छः महीने की 9, 10, 11 बस कह रहा हूँ। और यहाँ पे कितना रश होता है? रश तकरीबन इधर 6 महीने के बीच मिल जाएगा। लोग कहाँ कहाँ से आते हैं? लोग दूर दूर कश्मीर से ज़्यादातर बंदे आते हैं। ठीक है, दिल्ली इस्लामाबाद। दरबार की कैपेसिटी है कितना सौ गए दरबार को? ये हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी बताते हैं कि हमने इसे इसी तरह देखा है। ठीक है, तीसरी चौथी पीढ़ी जो है दरबार की क्या हासियत है? मनते हैं सुना लोग आके मानते हैं और दूर दूर से लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं। आप भी तो इसी चक्कर में बिल्कुल दावा है हमने भी मदद अपनी मदद मांगी। लोग भी यही दुआ मांगने के लिए आते हैं। लोग आते हैं। ठीक है, ठीक जी। आप जब भी आते हैं तो बाइक बाइक शॉप है यहाँ तक क्या क्या बात भी है? मिठाई है रात को काफी अच्छा हैं जी। और आप ठीक है ये भी चीजें जी। आप जब भी आए जरूर बाइक की शॉप पे आप आए तो आगे चढ़े बंदे मन्नत पूरी होनी फिर बंदे पीछे जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे मेरे दाएं बाएं यहाँ पे जो जो मैं देख सकते यहाँ पे फास्ट होती हुई कदम में थी और चूँकि यहाँ पे नहरी निज़ाम नहीं है और बाहर निज़ाम है तो बारिश के पानी के ऊपर लाई किया जाता है और तकरीबन यहाँ पे बारिशें हर बार हो जाती हैं और ये कदम फसल है ये 15 से 20 अक्टूबर को यहाँ डेट तक फास्ट होती है और तकरीबन ये अप्रैल के एंड पे या मई के मिड में जाती है याद हो जाती है। आप देख सकते हैं तकरीबन इस पूरे इलाके के अंदर सबसे मेन सफर नजर आए कि वो कंदू में ये हम बेवन रोड आप बरस्ता हबीब चौक और बेवल भी दानगली जा सकते और